क्या हो गया है? अब्बू के घर में आएंगे क्या? हाँ आएंगे अब्बू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? सो आज के व्लॉग में वेलकम करती हूँ मैं। और आज हम लोग कराची रेलवे स्टेशन आए हैं, ड्रेक रोड वाले, क्योंकि हमारे फैमिली में शादी है और पिंडी से इस्लामाबाद से मेहमान आए हुए हैं, यानी पप्पू वगैरह आई हैं, तो उनको पिक करने आए हुए हैं। और बच्चे भी जिद कर रहे थे कि जो है उनको रेलवे स्टेशन देखना है, तो थोड़ा सा मैं आपको दिखाती हूँ ड्रेक रोड का जो स्टेशन है जहाँ पर ट्रेन आके रुकती है फिर आगे चली जाती है, तो वो कैसा है ये मैं आपको व्यू करवाती हूँ यहाँ का। हमें उस तरफ जाना है तो इसलिए हम ब्रिज पर आ गए हैं। ब्रिज से ऊपर का व्यू देख सकते हैं आप। ये अभी तो ये इतना ज़्यादा भरा हुआ नहीं है, खाली है, क्योंकि अभी कोई ट्रेन नहीं आई ना ही कोई ट्रेन अभी जा रही है, तो इस वजह से ये भी थोड़ा खाली खाली लग रहा है, ना ज़्यादा लोग हैं। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? देखिए मैं आया हूँ आज अपनी फूफो को लेने, और जैसा कि आप देख रहे हैं ब्रिज रोड स्टेशन पे मैं पहुँच चुका हूँ, और किसी वक्त भी ट्रेन आज आने वाली है और हम लोग पहले पहुँच चुके हैं। ये बताए वो अल्लाह भला करे, अभी कैसे फोन लेके गए? हां लेके गए अभी साजे के और के बाद जरूर जाइए ऐसे। मम्मा को ये ना कोई ना आ जाए तो बोलो सबके ऊपर ना और से जाओ बोलो सब पीछे हो ना। ये है नाजी रेलवे ट्रैक जहाँ मेरी फूफो आने वाली है। वालेकुम अस्सलाम चाचा, कितने इतनी देर से फ़ोन कर रहा हूँ और आप किधर गए थे? मैं वही हूँ, चाची ने इशारा कर दिया, चाची के पास में आ गए, चले आप भी आ जाओ। तो जैसा कि आपने देखा मैं रेलवे स्टेशन से पहुँच चुका हूँ। ये वो ट्रैक है जहाँ पे इस वक्त गाड़ी आने वाली है, गाड़ी वहाँ से आती है इस्लामाबाद से गाड़ी, पिंडी से गाड़ी, और ये जो आपको रूट दिख रहा है इस तरफ का, ये कराची कैंट का एरिया है जहाँ से मुसाफिर आते भी हैं और मुसाफिर जाते भी हैं। अब आइए मैं आपको कुली दिखा, ये कहलाते हैं कुली, ठीक है, ये उठाते हैं सामान। और इसके अलावा आपने अगर कुछ ख़रीदना है कुछ पीना है तो ये कैंटीन छोटी छोटी आप देखेंगे स्टेशन के पास होती है, तो मैं तो आपको ये एडवाइस करूँगा कि आप जो भी चीज़ लें अपने घर के करीबी, रमीज बोल रहा मैं नीचे कूद रहा हूँ, घर पे करीबी किसी शॉपिंग मॉल से ले लें, किसी दुकान से, क्योंकि यहाँ बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो इसी वजह से मैं आपको ये बताऊँ। हमजा वहाँ जाए, आप वहाँ जाइए। और ये जो आप देखें ये हमारी आवाम की बहुत अच्छी एक मयार रवि है कि हम कोई भी जगह नहीं छोड़ते, सब जगह कचरा करते ही है, तो हम किसी शॉपर में नहीं डाल सकते, ये सारा कचरा आपको हमारी आवाम का दिखेगा। कौन सी वो ट्रेन गई है? अभी गई है फैसलाबाद की ट्रेन, जैसा कि आपने देखा इस वक्त टाइम हो रहा है आपका 3 बज रहे हैं, 2:55 हाँ वही अप्रॉक्स 3 चल रहे हैं। ये गाड़ी गई है कराची कैंट से निकलते हुए फैसलाबाद के लिए, निकल चुकी है यहाँ से, तो अब ये गाड़ी डिग रोड क्रॉस कर चुकी है। अब देखें ये कितनी देर में आगे और कैसे मजीद चलती है, आगे धुंध है नहीं है। फुप्पो की गाड़ी कितने बजे आएगी? फुप्पो की गाड़ी आ रही है 3:15 बजे। ये मेरे बच्चे ना पूरे रेलवे स्टेशन में घूमते फिर रहे हैं, ऊपर नीचे करें, इनको लेने जा रही हूँ। और रमी सर वहाँ की पढ़ रही है इस वक्त डांट, क्योंकि वो अपने इस रेलवे स्टेशन को अपना घर समेट रहे हैं और घूम रहे हैं। पप्पो
बोगी किसी वक्त भी पापा 329 हो गए एक महीने आने में स्टेशन पहुंच सकती है क्योंकि हो गए हैं तकरीबन पूरे साढ़े तीन है गिवन टाइम जो स्टेशन मास्टर ने टाइम दिया था कि 3:30 बजे आपकी गाड़ी स्टेशन पर पहुँच जाएगी तो लिहाजा हम अपनी जगह पे आके खड़े हैं और गाड़ी आ गई चलो जैसे ट्रेन आने वाली होती है तो सारे गोली देख रहे हैं अलर्ट हो गए पहले ही किनारों पे लेटे हुए थे बैठे हुए थे सब खड़े हो गए रेलवे ट्रैक के पास 18 नंबर है यहीं बैठे रहो नंबर 18 बना जल्दी से नंबर 18 है सही सही ये देखें जैसे ट्रेन आई तो लोग उतर रहे हैं कुली भी आसपास आ गया उनके रिश्तेदार भी आ गए तो बड़ा जो है रश सा हो गया यहाँ पे सो गाइस ट्रेन आ गई है और इस वक्त जो है ये देखने गए 18 नंबर क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 9 नंबर रुका है 18 नंबर शारिक देखने गए हैं चाचा भी गए हैं चाची भी देखने गई है हाँ शुरू हो रही बैठो ड्रामा बैठो ट्रेन जा रही है शारिक वो सामान लेके तो ऊपर चला गया बड़े बड़े बच्चे हो गए आगे जान है वो तो हमने पप्पो को ले लिया है बस हम वापसी की तरफ जा रहे हैं और बस ये देख रहे हैं कितनी भगदड़ सी मच गई है यहाँ पे ये देखो कितनी मेहनत करनी पड़ी दूल्हे की शादी के लिए हाँ भाई मुबारक मुबारक ये लोग कहाँ से आए हम लोग पंडित है शादी अटेंड करने आओ आओ इधर आओ मैं का पंडित आप ही कोई पहनने सारे वो कह रही है मुबारक हो आपकी शादी है कह रहा आपकी बहन है बोली आप कहाँ से आई मैंने कहा मैं पंडित आई हूँ वो रमी लाल बाल और अपनी दादी का भाई इतना नाम रखती लाल बाल वाली दादी बड़ी मुश्किलों से देखा आप कितने बाद बच्चों को मिल रही है बच्चे पढ़ो बढ़ रही है इतनी सीढ़ियाँ अम्मी को इस साइड पे रहने दो हाँ ऐसे जा भाई किधर जा उम्मीद से आ दो बहुत ही खास है बहुत ही खास है मम्मी आप नहीं नहीं एक एक हाथ जारी पकड़ के रख जाल में आते हैं लोग आप लोगों को कैसा लगा इतने करीब से आप लोगों ने गाड़ी देखी ये ब्लॉग बस यहीं ख़त्म करते हैं क्योंकि हम बहुत थक गए हैं सुबह से बस इधर उधर जाना वाना हो रहा है बस हम घर जाएंगे बहुत भूख भी लगी है फिर हमें कहीं और निकलना है तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़